जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों को मुंबई मीरा भाईंदर के संबंध में आज की पांच बड़ी खबरें बता देता हूं। पहली खबर तो ये है कि दहिसर और मीरा रोड के बीच आज चलती ट्रेन में फायरिंग हुई है। ये फायरिंग एक रेलवे सुरक्षा कर्मी द्वारा की गई है और इस फायरिंग में एक एएसआई और तीन यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई है। आरोपी रेलवे सुरक्षा कर्मी चेतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, फिर वो अपने ट्रांसफर को लेकर नाराज था, तो ऐसी कई बातें सामने आ रही है। वो तो पुलिस की जांच के बाद ही क्लियर होगा कि उसने ये फायरिंग क्यों की जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई। ये ट्रेन जो थी ये जयपुर से मुंबई आ रही थी। दूसरी खबर ये है कि मीरा भाईंदर के राशन कार्यालय में आज प्रताप सरनाईक ने सरप्राइज विजिट किया। ऐसी कंप्लेंस आ रही थी कि जो मीरा भाईंदर का राशन कार्यालय है वहां पर दलाल के बगैर कोई काम नहीं होता है, दलाल का अड्डा बन गया है मीरा भाईंदर का राशन कार्यालय। तो इसीलिए विधायक प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर के राशन कार्यालय में सरप्राइज विजिट किया और ये वार्निंग दी कि दलाल के जरिए नहीं डायरेक्ट काम होना चाहिए जनता का। तीसरी खबर ये है कि धार में एक महिला को उसके पति ने चाकू मार दिया था। पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली, पुलिस तुरंत स्पॉट पर पहुंची, महिला को अस्पताल ले जाया गया और महिला की जान बच गई और महिला अभी स्टेबल है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। चौथी खबर यह है कि एक महिला को हैरेस करने के आरोप में एक जिम ट्रेनर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसा बताया जा रहा है दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे और वो जो पीड़ित है वो उसी जिम में आती थी जिसमें आरोपी जिम ट्रेनर का काम करता था। पांचवी खबर यह है कि 17 चोरी के मामले में एक वॉन्टेड गैंग को एमबीवीपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसमें चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक महिला भी शामिल है इन चार लोगों में। तो दोस्तों ये थी मुंबई मीरा भाईंदर के संबंध में आज की पांच बड़ी खबरें। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूंगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखे, सभी को दुआओं में याद रखे। थैंक यू सो मच।